हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती लग रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए रविवार को देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया जा रहा है कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है, जिनका आज किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हुई बीजेपी की अहम बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। रविवार को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे से देर शाम तक चली, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से तय उम्मीदवारों की सूची को मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। उम्मीदवारों के चयन को लेकर रविवार को स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मधुसूदन मिस्त्री, गुलाम नबी आजाद, कुमारी सैलेचा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक दिनभर चलती रही। चुनाव लड़ने के इच्छुक टिकटार्थियों के साथ दिनभर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान करीब 270 टिकटार्थियों को अलग अलग बैच में बुलाकर पूछा गया। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलेजा ने एक बार फिर साफ किया कि सिफारिशी की बजाय जमीनी स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समंदर से मशीन गन चलाते हुए नजर आए। रविवार को राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रमादित्य में मशीन गन थामी और तड़ातड़ गोलियां दागी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रमादित्य में 24 घंटे का समय गुजारा। इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य की ताकत को देखा। राजनाथ ने देखा कि कैसे इस जंगी जहाज पर तैनात लड़ाकू विमान यहां से उड़ान भरते हैं और अपना मिशन पूरा करके लौटते हैं। पहले मशीन कमांडो ने राजनाथ सिंह को मशीन गन से फायरिंग करके दिखाई, इसके बाद राजनाथ ने मशीन गन थामी। शुरुआत में दो छोटे छोटे बर्स्ट फायर किए, उसके बाद तो रक्षा मंत्री ने गोलियों की बौछार कर दी। फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सोशल मीडिया को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग की गई। याचिका में ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नियंत्रण रेखा पर आए दिन हो रही गोलीबारी के बीच पाकिस्तान को एक बार फिर से चेताया है। जनरल रावत ने पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर पर लताड़ लगाई। रावत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना एक बार फिर से बॉर्डर पर पार कर सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ ने लोगों की जान संकट में डाली। हालात ये हैं कि पिछले चार दिनों के अंतराल में यूपी में 80 और बिहार में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में लोग लापता भी हैं। जानकारी के अनुसार यूपी में शनिवार को 26 और रविवार दोपहर तक 35 लोगों की मौत हुई। वहीं पटना में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और शहर में पानी भर गया है। कुछ इलाकों में हालात इतने खराब है कि यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है और शहर में घंटों से बिजली आपूर्ति नहीं हो सकी। नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा डांस की धूम रहती है और लोग जमकर इस त्योहार का जश्न मनाते हैं। खास बात यह कि इस गरबा डांस में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोग भी भाग लेते हैं, लेकिन अब इस लोकप्रिय गरबा डांस को लेकर बजरंग दल ने फरमान जारी किया है कि दूसरे मजहब के लोग गरबा से दूर रहें। गुजरात में बजरंग दल ने गरबा को लेकर नया फरमान जारी किया। बजरंग दल ने दूसरे धर्म के लोगों को गरबा की जगह से दूर रहने को कहा। बजरंग दल के मुताबिक दूसरे धर्म के लोग हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। गरबा से अन्य धर्म के लोगों को दूर रहने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गरबा स्थल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आसपास इससे संबंधित कई बैनर लगाए। सिरसा में श्री रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट ने 70वें रामलीला महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर एचएलपी के अध्यक्ष और श्री तारा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन गोपाल कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजेश पुटेला और अजय पुटेला ने की। मुख्य अतिथि गोपाल कांडा ने रिबन काटकर रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया।
इस मौके पर गोपाल कांडा ने कहा कि साल 1950 में रामचंद्र कालड़ा ने ऐसा धार्मिक मंच सिरसा को प्रदान किया जो आज वट वृक्ष बन चुका है, जो आज जिला वासियों को भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने कहा कि रामा क्लब 70 सालों से रामलीला और दशहरा महोत्सव के साथ साथ समाज सेवी कार्यों में भी अहम भूमिका निभा रहा है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गौरतलब है कि नवरात्र में दुर्गा पूजा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। पंचकुला में 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लगातार बारिश होने से धान की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ। दरअसल किसान धान की फसल को बेचने के लिए पंचकुला आए थे, लेकिन बारिश होने से किसानों की फसल पानी लगने से खराब हो चुकी है। मैं किसानों का कहना है कि सेक्टर 20 की किसान मंडी में सेब मंडी खोले जाने के चलते शेड के नीचे सेब रखे जाते हैं और किसानों को अपनी फसल को बारिश से बचाने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। स्वर्खी दादरी में युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। बता दें कि खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। युवक निजी कंपनी में काम करता था। स्वर्खी दादरी शहर की एमसी कॉलोनी की घटना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।